गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेने वाले हैं। नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट ही स्टार्ट कर रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स वन, जो डीफार्म फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता है। और फार्मास्यूटिक्स वन जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। फार्मास्यूटिक्स वन में आपको मेनली क्या पढ़ना है, तो फार्मास्यूटिक्स वन मीन्स क्या है, आपको क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे ड्रग्स के फॉर्मुलेशन पढ़ने। अब ड्रग मीन्स क्या होता है, एक ऐसा कोई फॉर्म, ऐसा कोई सब्सटेंस जो हम क्यों यूज करेंगे, फॉर दी मीन्स अगर ट्रीटमेंट करना है आपको, प्रिवेंशन करना है, डिजीज को दूर करना है इन मैन और इन एनिमल, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ड्रग यूज करेंगे। तो ऐसा तो नहीं ना कि ड्रग हम जैसे रॉ फॉर्म में रहेगा वैसे के वैसे हम कंज्यूम करेंगे, नो। तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें उसे फॉर्मुलेट करना पड़ेगा इन अदर फॉर्म, जो भी कन्वीनियंट रहे किसी भी पेशेंट के लिए उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इन अदर फॉर्म। तो वो क्या हो जाएगा, डोजेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और जब उसे कन्वर्ट करेंगे तब उसके लिए जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे हम उसे कहेंगे एक्सिपिएंट्स। वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे उस डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए, ठीक है। वही हम आज पढ़ने वाले, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि हम फार्मास्यूटिक्स वन में क्या पढ़ने वाले हैं। ये हो गया, हमें फॉर्मुलेशन पढ़ना है। देन हम जब फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे तो हमें उसमें पढ़ना है कि अगर ड्रग है तो हम उसे फॉर्मुलेट करने जाएंगे तो कौन सी डिफिकल्टीज आएगी, हमें उसे साइज रिडक्शन करना पड़ेगा, रिडक्शन मीन्स ब्रेकिंग करना पड़ेगा, सेपरेशन करना पड़ेगा। जैसे एक स्मॉल पार्टिकल है, देन उससे बड़ा पार्टिकल है, देन बहुत बिग पार्टिकल, इन सब पार्टिकल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। देन उसके अंदर हमें मील्स पढ़नी है कि कौन सी मील यूज करके आप साइज सेपरेशन करोगे, साइज रिडक्शन करोगे। देन हमें इसमें पढ़ना है कि टैबलेट्स को कैसे बनाना है, टैबलेट्स को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चर की गई टैबलेट्स के ऊपर आपको कैसे इवैल्यूएशन टेस्ट करने हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स वन में, ठीक है। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम पूरा थरू नॉलेज मिल जाएगा आपको कि मिक्सिंग कैसे होता है, मीन्स एक जो भी ड्रग बनेगा, वो जो भी फिनिश प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, उसका रॉ मटेरियल से लेकर तो फिनिश प्रोडक्ट तक की जो भी जर्नी रहेगी वो कैसी रहेगी, वो हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स वन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिक्स वन में हमें सबसे पहला हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म, मींस आपको क्या पढ़ना है कि ऐसे कौन से डोजेज फॉर्म है जो आप लेते हैं। जैसे आपको पता है कि टैबलेट्स लेते हैं हम लोग, कैप्सूल्स लेते हैं हम, पाउडर सप्लाई करते हैं, क्रीम सप्लाई करते हैं, ठीक है, सिरप्स लेते हैं, इनहेलर्स लेते हैं, वो जो भी डोजेज फॉर्म, ये क्या है, ये कोई ड्रग नहीं है, ये क्या है, एक ड्रग के अलग अलग डोजेज फॉर्म है। तो ये कौन से डोजेज फॉर्म है ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन रहेगी ड्रग। ड्रग की डेफिनेशन आपको पूरे 2 साल भूलना नहीं है, क्योंकि ड्रग से ही बनेगा सारे डोजेज फॉर्म, उसके सारे यूजेस सब ड्रग से ही आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे ड्रग की डेफिनेशन। ड्रग की डेफिनेशन में क्या आएगा, द सब्सटेंस यूज्ड इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और क्योर। ऐसा कोई सब्सटेंस जो किसमें यूज हो रहा है, डायग्नोसिस मीन्स किसी भी, अगर कोई पर्सन आता है, अगर वो फिजिशियन के पास जा रहा है तो उसके सिम्टम्स बताने के बाद फिजिशियन जो कंफर्म करेगा कि उसे कौन सा डिजीज है, वो हो गया डायग्नोसिस। देन उसके बाद उसे ट्रीटमेंट पे रखा जाएगा। देन प्रिवेंशन मीन्स अगर हम कुछ ड्रग्स लेकर अगर हम वो डिजीज से कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे, जैसे अभी COVID-19 है तो हम ऐसे कोई ड्रग्स है जैसे विटामिन सी, मल्टी विटामिन सी लेकर हम कैसे खुद को हेल्दी रख पाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रिवेंशन। और क्योर मीन्स पूरी तरह ठीक हो जाना, ठीक है। देन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग और एनिमल, मीन्स ऐसे कोई सब्सटेंसेस हम यूज करेंगे डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए या फिर क्योर के लिए, किसमें, डिजीज में यूज करेंगे, फॉर द ह्यूमन बींग और एनिमल, ऐसे ड्रग को, ऐसे पर्सन सब्सटेंस को हम कहेंगे ड्रग, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, अब उसमें हाँ उसमें एक एग्जाम्पल भी है, पैरासिटामोल। सबको पता है हम कहते हैं कि पैरासिटामोल की टैबलेट ले ली, अगर आपको फीवर जैसा लग रहा है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पैरासिटामोल की टैबलेट ले लेते हैं। लेकिन पैरासिटामोल का सिरप भी आता है, टैबलेट भी आती है, तो ये अलग अलग उसके डोजेज फॉर्म हो गए। लेकिन ड्रग क्या है, पैरासिटामोल, मेन एक्टिव ड्रग क्या है, पैरासिटामोल, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट में क्या आएगा, द नॉन ड्रग मीन्स वो ड्रग नहीं है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, द नॉन ड्रग कंपोनेंट एडेड विथ ड्रग कंपोनेंट। ऐसा कोई भी नॉन ड्रग कंपोनेंट हम ड्रग कंपोनेंट के साथ, ड्रग कंपोनेंट मीन्स जैसे अगर आप कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो उसके साथ मेन एक्टिव ड्रग के साथ जो भी बाकी कंपोनेंट्स जाएंगे उसके साथ अगर आप उसे ऐड कर रहे हो
तो उसे हम कहेंगे एक्सिपिएंट्स। इसमें क्या जाएगा, जैसे कलर्स, फ्लेवर्स मीन्स फ्लेवरिंग एजेंट्स आप ऐड कर रहे हो या फिर कलरिंग एजेंट ऐड कर रहे हो, क्यों, उसका जो भी अपीयरेंस रहेगा वो एनहांस करने के लिए तो उसे हम कहेंगे एडिटिव्स। ठीक है, वो हेल्प कर रहे हैं कोई भी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए इसलिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे डोजेज फॉर्म के डेफिनेशन। डोजेज फॉर्म की डेफिनेशन मीन्स क्या होगा, सिंपल ड्रग को हम कन्वर्ट करेंगे इन अनदर फॉर्म, उसे हम कहेंगे डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर केमिकल कंपाउंड, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। हम कहते हैं ना कि एक पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्यों, उसने क्या किया, उसने खुद के इसमें अपग्रेडेशन किया, उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, उसे अलग तरीके से पेश किया, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर केमिकल कंपाउंड इनटू किसमें, इनटू प्री डिटरमाइंड फॉर्म, मीन्स जो फॉर्म हमें बनाना है। जैसे अगर हमें कोई पाउडर है उसकी हमें टैबलेट बनानी है या फिर उसके हमें इनहेलर्स बनाने हैं या फिर सिरप बनानी है, यह हम प्रीडिटरमाइन खुद से करेंगे कि हमें कौन सा अवेलेबल चाहिए डोजेज फॉर्म। ये ठीक है, ये हो गया प्रीडिटरमाइन फॉर्म। बाय एड मिक्सिंग ड्रग कंपोनेंट, बाय एड मिक्सिंग ड्रग कंपोनेंट मीन्स बाय एडमिशन ड्रग और जो भी ड्रग कंपोनेंट्स रहेंगे हम उसको साथ में मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट विच हैव स्पेसिफिक एक्शन, और उसमें हम क्या करा लेंगे, और नॉन ड्रग कंपोनेंट्स डालेंगे, वो क्या करेंगे, उसकी खुद की स्पेसिफिक एक्शन शो करेंगे। जैसे अगर हम, जैसे आप देखो स्टार्च वगैरह हम ऐड करते हैं, वो क्यों ऐड करते हैं, ताकि जब आप टैबलेट बनाओगे तो वो जो लंप बनता है सबसे पहले तो वो क्या करता है, बाइंडिंग करता है, क्या करेगा, वो बाइंडिंग करेगा, उसके लिए हम स्टार्च ऐड करेंगे, तो बाद में ऐड करेंगे क्या, नहीं वो हम पहले से ऐड करेंगे, इसलिए उसे क्या करेंगे, प्री डिटरमाइंड हम पहले से ही उसे ऐड करें, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में हमें ये फॉर्म चाहिए तो हमें पहले उसमें क्या क्या ऐड करते जाना है वो। ठीक है, ये हो गया आपकी डोजेज फॉर्म की डेफिनेशन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डोजेज फॉर्म। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डोजेज फॉर्म मीन्स हमें डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें इसे उसकी जरूरत। सबसे पहला है टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस। क्यों, अगर मॉइस्चर अटैक हो जाए तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो उस ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए मीन्स जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डोजेज फॉर्म करना पड़ेगा, मीन्स उस ड्रग को अलग डोजेज फॉर्म में ढालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोटेड टैबलेट्स बनाएंगे, ना कि सिंपल टैबलेट्स बनाने से। आप क्या करोगे, कोटेड टैबलेट्स बनाओगे, वो क्या करेगी, एनवायरमेंटल चेंजेस से आपकी टैबलेट को बचाएगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक। कोई कोई टैबलेट्स ऐसे रहते हैं कि अगर वो स्टमक में जाए तो वो स्टमक में हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है उसके साथ वो केमिकल रिएक्शन फॉर्म करके आपको एसिडिटी फॉर्म कर सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हम ऐसे टैबलेट्स बनाएंगे जो स्टमक को पास करते हुए डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाएंगी और वहां पर अपना एक्शन शो करेगी, वहां पर वो सोल्युबल होगी। तो ऐसे टैबलेट्स को हम कहेंगे एंटरिक कोटेड टैबलेट्स। हमने क्या कर लिया, डोजेज फॉर्म अलग बना दिया, क्योंकि वो ड्रग क्या कर रहा था, स्टमक में जाकर इरिटेशन फॉर्म कर रहा था, इसलिए हमें क्या किया, स्टमक को उसे बाईपास करेगा वो और इंटेस्टाइन में जाकर सोल्युबल होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, टू मार्क द बिटर और ऑब्नॉक्शियस टेस्ट। जैसे कोई ड्रग है बहुत बिटर टेस्ट है तो क्या किया जाता है, उसके ऊपर शुगर कोटेड फ्लेवरिंग एजेंट्स की कोटिंग दी जाती है, ये भी क्या हो गया, एक डोजेज फॉर्म ही हो गया। देन नेक्स्ट, प्रोवाइड ड्रग थ्रू द इनहेलेशन। मींस अगर कोई ड्रग है तो आप उसे टैबलेट फॉर्म में नहीं दे सकते, टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं लेकिन अगर आप उसे टैबलेट फॉर्म में दोगे कि देयर माइट बी चांसेस कि वो लॉन्गर इफेक्ट दे, ऑब्वियसली वो पहले डिसइंटीग्रेट होगा, देन डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन सोल्यूबल होगा, देन बाकी बाद में वो एक्शन दिखाएगा। इतना टाइम किसी पर्सन के पास रहेगा क्या, नो। तो इनहेलर्स लेंगे हम, इनहेलर्स लेने से क्या होगा, आपको फास्ट रिलीफ मिलेगा, तो ये क्या हो गया, डोजेज फॉर्म हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द ड्रग फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स ड्रग को टॉपिकली ऐड करना है, टॉपिकली एडमिनिस्टर करना है, मीन्स अगर आपको यहाँ पर कोई कट हो जाए तो आप डायरेक्टली ऊपर से सोफ्रामाइसिन लगाओगे कि सोफ्रामाइसिन को खाओगे, नो, आपको अगर इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए तो आप सोफ्रामाइसिन को टॉपिकली लगाओगे, आप जो भी पाउडर्स रहेंगे डस्टिंग पाउडर आप उसे क्या टॉपिकली लगाओगे, तो वो हो गया टॉपिकल फॉर्म में अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन करो तो वो अलग फॉर्म हो जाएगा डोजेज फॉर्म का, वो रहेगा ऑइंटमेंट्स या फिर क्रीम्स या फिर पाउडर्स। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा पहला लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।